हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा पाठक आपको हिंदी का पाठ एक साखी पढ़ाने जा रही हूँ। ये साखी जो है कबीर दास द्वारा लिखी हुई दोहे हैं। इसके कुछ दोहे मैंने पिछले उसमें पढ़ाए थे आपको, उसी में आगे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, कबीरदास के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। कबीरदास का ये दोहा है, दीपक दिया तेल भरी। दीपक दिया तेल भरी, बाती गई अघट, पूरा किया निशाना, बहुरी ना आवो कट। कबीर के दोहे में कबीर दास ने अपने गुरु को बहुत महत्व प्रदान किया है। उनके अनुसार जो उनका गुरु है वही उनका सच्चा मार्गदर्शक है, और गुरु के प्रति गुरु को वो इसी तरह मानते हैं जैसे एक कुम्हार और शिष्य को एक घड़े के समान बताया है। जिस तरह कुम्हार एक घड़े को बड़ा सुंदर रूप देता है, उसी तरह गुरु भी जो है अपने शिष्य को बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो यहाँ पर कबीरदास अपने गुरु के प्रति उन्होंने महत्व को, अपने समर्पण को, अपनी श्रद्धा को दर्शाते हुए कहते हैं कि दीपक दिया तेज भरी। मेरे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक को तेल भरी, ईश्वर के प्रेम रूपी तेल से भर कर बाती दई अघट, उसमें ज्ञान की अर्थात ईश्वर को पाने की लगन की अर्थात ज्ञान की कभी ना समाप्त होने वाली बाती डाल दे। फिर से देखते हैं कि मेरे गुरु ने दीपक रूपी शरीर में ईश्वर के प्रेम रूपी तेल को भर कर उसमें ईश्वर को पाने की लगन की कभी ना समाप्त होने वाली बाती डाल दी। उस बाती से क्या हुआ, ईश्वर को पाने की जो लगन मेरे मन में इतनी उत्पन्न हो गई कि मेरा संसार के प्रति जो माया मोह का बंधन था वो मैंने अपना समाप्त कर लिया। जब मुझे ईश्वर के ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको पाने की लगन मेरे मन में हो गई, तो मैंने अपना ये जो सांसारिक वासनाएं हैं इनको समाप्त कर लिया, पूरा किया विसाना, और इस प्रकार मैंने इस संसार में अपना सारा क्रय विक्रय जो भी लेना और देना था वो मैंने पूरा कर दिया। विसाना माने क्रय विक्रय, लेना और देना। इस संसार से मेरा जो भी लेना था जो भी देना था वो मैंने पूरा कर दिया। बहुरी न आवो हट, अब क्योंकि मैंने इसी जन्म में अपना सारा लेन देन पूरा कर दिया है, अब मैं दोबारा, बहुरी मीन्स दोबारा, न आवो हट, हट माने बाजार, अब मैं दोबारा इस संसार रूपी बाजार में नहीं आऊंगा। तो इस दोहे में कहने का मतलब ये है कबीरदास का कि मेरे गुरु ने मुझे ईश्वर का ज्ञान कराया, ईश्वर को ज्ञान प्राप्त होने से मैं ईश्वर में लीन हो गया, और क्योंकि ईश्वर जो है वो अनंत है, अमर है, उसका जीवन मरण नहीं होता, और क्योंकि मैं ईश्वर में लीन हो गया, ईश्वर में हो गया, तो मेरा भी, मैं भी जन्म मरण के बंधन से
मुक्त हो गया। तो और इस प्रकार जब मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया तो अब मेरा इस संसार का सारा जो लेन देन था वो समाप्त हो गया और अब मैं दोबारा इस संसार रूपी बाजार में लौट कर नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे मैं ईश्वर में विलीन हो गया हूँ, ईश्वर में हो गया हूँ और ईश्वर का कोई जन्म मरण होता नहीं है। तो इसलिए मेरा भी जन्म मरण का जो बंधन है उससे मैं मुक्त हो गया हूँ और अब मैं इस संसार में दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा तथा मैं ईश्वर में लीन हो गया। तो इस दोहे में आप देखेंगे कि दीपक को शरीर और ज्ञान का प्रतीक बताया है, तेल भरी मतलब ईश्वर के प्रेम से भर दिया है और बाती दया अघट माने ईश्वर के लगन, ईश्वर को पाने की लगन की बाती डाल दी है। तो ये तीनों प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे रूप का अतिशयोक्ति है, रूप का अतिशयोक्ति होगी यहाँ पर। दीपक दिया यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार भी है। इस तरह ये पूरा आपका जो दोहा है ये पूरा होता है। अगर इसका एक तरह से पूरा सार निकालें तो कहने का मतलब कबीरदास का ये है कि मेरे गुरु ने मेरे शरीर रूपी दीपक में ईश्वर के प्रेम रूपी तेल को भर कर उसमें ईश्वर को पाने की लगन की ऐसी बाती डाली जो कभी समाप्त नहीं होगी और उस ईश्वर को प्राप्त करके उस अलौकिक ईश्वर की ज्ञान को जब मैं प्राप्त कर लिया तो मैंने इस संसार से सारी वासनाओं को त्याग दिया और अब मैंने संसार में अपना जो भी लेना देना था वो पूरा कर दिया। इसलिए अब मैं दोबारा इस संसार रूपी बाजार में लौट कर नहीं आऊंगा। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे। अगला दोहा इस प्रकार है, केसो कही कही को किए ना सोइए असरा, असरा मीन्स हठ पूर्वक, हठ करना। रात दिवस के कूक में कबहू लगे पुकार। अब वैसे तो ईश्वर को पाने का जो मार्ग है बड़ा कठिन है, साधना के द्वारा ही पाया जा सकता है, साधना पद्धति अपना के। लेकिन इस दोहे में ईश्वर को पाने का बहुत ही सरल मार्ग बताया है कबीरदास ने। लोगों को ईश्वर को पाने का जो मार्ग है बहुत ही सरल जो बताया है। सरल रास्ता क्या उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया है कि ईश्वर का अगर हम निरंतर स्मरण ही करते रहें, अगर हम निरंतर ईश्वर का नाम लेते रहें तो क्या होगा, तो मुझे ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे कभी ना कभी और मुझे अपने दर्शन देंगे। तो इस दोहे में कबीरदास ने सबसे सरल तरीका जो है, सबसे सरल जो मार्ग है वो बताया है। सबसे सरल मार्ग क्या है कि ईश्वर का हम दिन रात निरंतर स्मरण करते रहें। तो देखिए, केसो कहीं कहीं को किए, कबीरदास जी कहते हैं कि केशव माने भगवान कृष्ण और कूकिए माने कूकना, जैसे कोयल कूकती है, कोयल की वाणी कैसी होती है, मधुर होती है। तो जिस तरह कोयल मधुर वाणी में कूकती है इसी तरह हे प्राणी आप भी एक केशव का नाम लेकर मधुर वाणी में, मधुर वाणी में भगवान कृष्ण का नाम लेते रहिए। कोयल के समान मधुर वाणी में केशव का नाम या भगवान कृष्ण का नाम निरंतर लेते रहिए। ना सोइए असरार, आप अज्ञान की नींद में हठ पूर्वक मत सोइए। साधारण प्राणी क्या होता है, वो ईश्वर के नाम के महत्व को नहीं जानता और इसलिए अज्ञान के कारण
वो हठ पूर्वक अज्ञान की नींद में सोता रहता है। तो कबीरदास कहते हैं कि जागो, मतलब जागृत हो, अज्ञान की नींद से जागो, अपने हठ पूर्वक जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हो उससे जागो, और प्रभु अथवा भगवान कृष्ण का नाम निरंतर मधुर वाणी में, कोयल के समान मधुर वाणी में निरंतर प्रभु का नाम, कृष्ण का नाम उच्चरित करते रहो। तो इस तरह रात दिवस के कुकड़े, तो हे प्राणी, जब इस तरह तुम अपने मधुर वाणी में कृष्ण का नाम रात दिन लेते रहोगे, निरंतर कोयल के समान मधुर वाणी में भगवान का कृष्ण का नाम लेते रहोगे, कबहू लगे पुकार। तो ईश्वर जो है, भगवान कृष्ण जो है, कभी तुम्हारी पुकार को सुनेंगे और प्रसन्न होके तुम्हें दर्शन देंगे। तो इस प्रकार, और जब दर्शन देंगे तो तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तो इस दोहे में कबीरदास ने साधारण मनुष्यों को ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका बताया है कि अगर साधारण मानव अपने अज्ञान की नींद को से जागकर निरंतर मधुर वाणी में भगवान कृष्ण का नाम रात दिन लेता रहे, निरंतर स्मरण करता रहे, तो कभी ना कभी उसकी पुकार ईश्वर जो है अवश्य ही सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, सबसे सरल, ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग बताया है कि हम रात दिन निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें, तो एक न एक दिन प्रभु की हमारे ऊपर कृपा अवश्य ही होगी। निरंतर स्मरण करना माने हर सांस में हम उनका नाम लेते रहे। तो प्रभु को पाने का सबसे सरल तरीका साधारण मानव मनुष्यों के लिए यही है कि वो अगर निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण रात दिन मधुर वाणी में करते रहेंगे तो एक न एक दिन प्रभु आपकी पुकार अवश्य सुन लेगा, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु है, और जब पुकार सुनेगा तो आपको दर्शन देगा और आपके कष्टों का दूर करेगा। तो इस दोहे के द्वारा यही कबीरदास ने बताने की कोशिश की है कि प्रभु के पाने का मार्ग जो सबसे सरल है वो है ईश्वर के नाम का निरंतर स्मरण करते रहना। इसके बाद तीसरा दोहा है, नंबर तीन पे जो दोहा है, इस दोहे में अद्वैतवाद के सिद्धांत की को बताया गया है, मतलब आत्मा और परमात्मा में एक तत्व की प्रधानता बताई गई है। तो यहाँ अद्वैतवादी सिद्धांत दृष्टिगोचर होता है कबीरदास का, तो वो एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं आत्मा और परमात्मा के संबंध को। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये आत्मा परमात्मा दो अलग अलग चीजें नहीं है, मतलब आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, और इस तरह आत्मा और परमात्मा में एक तत्व की प्रधानता बताई। तो देखिए, पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाय। पानी की वास्तविक स्थिति क्या है, जल, पानी। पानी जब जम जाता है तो क्या बन जाता है, हिम, बर्फ बन जाता है। तो पानी जमकर बर्फ बन गया, और फिर क्या हुआ, हिम है गया बिलाय, और बर्फ जब पिघल गई, जब बर्फ पिघल गई तो क्या हुआ, वो वापस अपने वास्तविक रूप में आ गई, अर्थात बर्फ पिघल कर वापस पानी बन गई। ठीक है, ये सिद्धांत है दृष्टांत अलंकार वगैरह पे कि पानी ही ते हिम भया, वास्तविक स्थिति है पानी, पानी जमकर क्या हो गया, हिम बन गया, हिम है गया बिलाय, और हिम जो है मतलब बर्फ जो है वो पिघल कर अपने वास्तविक रूप पानी बन गई। तो पानी का जो वास्तविक रूप है, मतलब बर्फ का जो वास्तविकता है, बर्फ का जो वास्तविक रूप है वो है
पानी या जल। तो यहां पर जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और फिर जगत की प्रलय, इन तीनों स्थितियों को में एक तत्व की प्रधानता बताई है। फिर आगे कहा है जो कुछ था सो ही भया, मतलब पानी की जो वास्तविक स्थिति थी, पानी सॉरी हिम की, हिम माने बर्फ, बर्फ जो कुछ थी, बर्फ की जो वास्तविक स्थिति है वो है पानी। तो जो कुछ था सो ही भया, जब बर्फ पिघल गई तो जो उसका वास्तविक रूप था अर्थात वापस वो पानी हो गई। अब कुछ कहा न जाए, अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब जो स्थिति होती है, जैसे बर्फ स्थित हो गई तो जो स्थिति होती है वो तो बाद में अपने वास्तविक रूप में ही वापस आ जाती है। तो यही आत्मा का भी किस विषय में भी यही बात कही गई है कि आत्मा जो है पानी, जो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, वो उत्पन्न होती है, संसार में स्थित रहती है और फिर बाद में जाकर परमात्मा में ही जाकर मिल जाती है, परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है। तो यहाँ जिस तरह पानी से बर्फ बनती है और बर्फ से फिर पानी, अर्थात बर्फ अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, उसी तरह परमात्मा से आत्मा जन्म लेती है, संसार में स्थित रहती है और फिर बाद में परमात्मा में ही विलीन होकर उसी में जाकर अपनी वास्तविक स्थिति में मिल जाती है। तो यही आत्मा और परमात्मा का जो है वो एक तत्व की प्रधानता यहाँ पर बताई है। तो पानी जो है यहाँ पर वो है परमात्मा के रूप में प्रतीत, पानी प्रतीक है परमात्मा का और हिम जो है वो आत्मा का। तो जिस तरह आत्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी तरह बर्फ जो है वो पानी की स्थिति है, बर्फ वापस अपनी वास्तविक स्थिति पानी में आ जाता है और आत्मा वापस ईश्वर में विलीन होकर परमात्मा का रूप बन जाती है, परमात्मा का अंश हो जाती है। तो इस दोहे में कबीर दास ने आत्मा परमात्मा में एक तत्व की प्रधानता बताई है, अर्थात आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। यहाँ पर याकृति सा दोहा पूरा होता है। अब ये जो तीन दोहे हैं आपके, आपके जो भी कोर्स के अनुसार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला दोहा है, हर पंक्ति में से, हर पद में से पांच प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर एक और प्रश्न नंबर दो जो है वो तो आपका हर एक में एक समान पूछा जाता है। जैसे अगर हम इस पहले दोहे में इस लाइन का अर्थ केवल जानना चाहते हैं तो क्या होगा, हम इस दो, ये दोहा एक है तो चार लाइन का, चार चरण का, इसमें इसका पहला प्रश्न बनेगा कि प्रस्तुत दोहे के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम साथ में देंगे। तो दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखांकित अंश इसके नीचे अंडरलाइन है इसकी हमें व्याख्या करनी होती है। अब तीसरा प्रश्न हम इसमें से जो दोनों लाइन का ये दोहा है चार लाइन का, इसमें से हम कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न पूछेंगे आपसे। तो जैसे कि इसमें दीपक, तेल और बाती किसका प्रतीक है, ये प्रश्न बन गया। फिर विषावना शब्द का क्या अर्थ है, ये हो गया प्रश्न नंबर चार। और फिर प्रश्न नंबर पांच में हम
दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है तो हम उस अलंकार का नाम बताएंगे। तो दीपक प्रतीक है ज्ञान का, तेल भरी ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है, और बाती जो है वो प्रभु को पाने की लगन बाती का प्रतीक है। अब विसावना शब्द का अर्थ पूछा है, तो विसावना शब्द का अर्थ है लेना देना, जो क्रय विक्रय है वो पूरा हो गया। संसार में हमारा जो लेना देना था संसार से, वो लेना देना अर्थात क्रय और विक्रय। अब पूछा है प्रश्न नंबर 5 कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रतीक बनाया ना ज्ञान दीपक को ज्ञान का, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार भी है, और दादा अक्षर का आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर यदि दा है तो अनुप्रास अलंकार भी है। ओके बस, थैंक यू, धन्यवाद।